वेलकम टू क्लासिक कुकिंग। आज हम बना रहे हैं दही पूरी। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार दही पूरी बनाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में वाइट वटाने को डालेंगे। वाइट वटाने को हमने ओवरनाइट के लिए सोक्ड होने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसे 3 या 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं वार्म वाटर में। यहाँ मैंने 2.5 ग्लास पानी डाला है वटाने के अंदर। पानी में जब बॉइल्ड आ जाए तो इसमें हम हल्दी और नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर हम कुकर को लीड लगा के इसे एक विसल आने तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखें, एक विसल आ गई है। अब हम कुकर को लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट पकने देंगे। ये देखें, 12 मिनट हो गई है और रगड़ा परफेक्ट कुक हो चुका है। अब हम ग्राम फ्लावर लेंगे और इसके अंदर 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसका रनी पेस्ट बना के रगड़े में डालेंगे और इसे 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखें, 5 मिनट हो चुकी है। अब हम रगड़े में जीरा पाउडर और फ्रेश कोरिएंडर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखें, रगड़ा रेडी है। तो चलिए पूरी असेंबल करते हैं। पूरी हमारी होममेड है। अगर आपने पानी पूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। इसका लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पूरी के अंदर हम रगड़ा डालेंगे। फिर ग्रीन चटनी डालेंगे, इमली की मीठी चटनी डालेंगे। अगर आपने मेरी इमली की चटनी और ग्रीन चटनी की वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखें। फिर हम इसमें योगर्ट डालेंगे। योगर्ट के अंदर हमने 2 टेबलस्पून शुगर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम रेड चिली पाउडर डालेंगे, फिर से इमली की मीठी चटनी डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, सेव डालेंगे, कोरिएंडर डालेंगे। ये देखें, दही पूरी रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे रेसिपी का जुबा पे स्वाद रखना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।